नमस्कार, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल झारखंड टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। कम राशन देने वाले पीडीएस दुकानदार पर 2 लाख का लगा जुर्माना। सिमडेगा पीडीएस दुकानदार कम मात्रा में अनाज वितरण की शिकायत सही पाए जाने पर डीएसओ सह एसी अमरेंद्र कुमार सिन्हा ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएसओ ने पीडीएस दुकानदार पर भारी भरकम जुर्माना लगाते हुए 2,16,800 रुपए फाइन जमा करने का निर्देश दिया है। बताया गया कि सदर प्रखंड के बेंदोजोर करंज टोली गांव के पीडीएस दुकानदार ईमानदनी कुजूर पर लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम राशन देने पर आरोप लगा था। अधिकारियों के द्वारा जांच के बाद आरोप सही पाते हुए डीलर पर 54.20 क्विंटल चावल कम बांटे जाने का आरोप तय हुआ, जिस पर एसडीओ ने कार्रवाई करते हुए उक्त जुर्माना की रकम जमा करने का निर्देश देते हुए डीलर के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। डीएसओ ने कहा कि अगर 2 दिनों के अंदर जुर्माना की रकम जमा नहीं की जाएगी तो लाइसेंस रद्द करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इधर प्रशासन की उक्त कार्रवाई से पीडीएस दुकानदारों में हड़कंप है। झारखंड की सभी खबर देखने के लिए हमारे चैनल झारखंड टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।